वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि सैटरडे को 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम लोग लाइव आ रहे हैं, तो प्लीज हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि जितने भी काम होंगे इसलिए पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो जल्दी करके तो हम लोगों को ज्वाइन जरूर कर क्योंकि काफी टाइम हो गया हम लोग लाइव नहीं आए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि लाइव आओ, तो हम लोग लाइव सेशन में आएंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। एनीवे आज हम देखने जा रहे हैं जो वीडियो, इसकी हम लोगों से रिक्वेस्ट की है मनप्रीत ने और उन्होंने हमें बोला था कि इस पर जरूर प्लीज रिएक्ट करें। और वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल है टाटा प्राइमा माइनिंग ट्रक ऑटो एक्सपो 2020 कमर्शियल व्हीकल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो। इससे पहले भी हम लोगों ने टाटा एक्सपो की काफी सारी वीडियोस दो देखी हुई है ना, दो वीडियोस हम लोगों ने देखी है, ये हम तीसरी देखने जा रहे हैं एंड देन वी विल डिस्कस हम लोगों को कैसी लगी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मोटोराइड्स में हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाएं। मेरे सामने आप देख रहे हैं टाटा प्राइमा का माइनिंग ट्रक। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखी बस ये खड़े हो जाना। आई एम 5'7", ये मेरा हाई लेवल है और मैं इसके विंड स्क्रीन के नीचे तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। जैसे आपको अंदाजा लगेगा मेरे को बहुत पीछे आना पड़ता है बस पूरा इसका फ्रंट व्यू लेने के लिए। इट इज अ रियली रियली ह्यूज ट्रक, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। ये टॉय ट्रक लग रहा है ना। इसकी बात करें तो माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं। इसकी कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज अ माइनिंग ट्रक बेसिकली, जो माइंस होती है, आयरन ओर्स होती है, बेसिकली एनी माइन ऑफ एनी काइंड, बॉक्साइट माइन हो, आपका आयरन ओर माइन हो, गोल्ड माइन हो, वहाँ से जो माइन मटीरियल होता है उसको कैरी करने के लिए ये ट्रक बनाया गया है। तो इसमें ये जो टायर्स लगे हैं फिनिशिंग की हुई है। अगर आप देखिए इसमें थ्रेड पैटर्न बहुत वाइड है बिकॉज वहाँ पे बहुत मिट्टी रहती है माइंस में और कोई भी रोड नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग टायर के लिए बट दे आर वेरी थिन। तो दीज आर 24 inches थिन माइनिंग टायर्स। यहाँ पे जो इंजन है उसकी भी फिगर्स बड़ी अच्छी है। 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 300 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर है, 1100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वो इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 35 टन्स। ये जो आप देख रहे हैं टिपर, बेसिकली यहाँ पे वो माइन आएगी, हम पीछे से भिजा के देखेंगे। और इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 35 टन्स। ग्रेडिबिलिटी इसकी बहुत हाई है। ग्रेडिबिलिटी इज बेसिकली द मैक्सिमम एंगल और स्लोप जिसपे ये चढ़ सकता हो। तो इसकी है 53 degrees इन क्रॉलर गियर। इसमें क्रॉलर गियर है, वैसे 9-speed ट्रांसमिशन है और एक क्रॉलर गियर भी है। क्रॉलर गियर में ये 53 degree स्लोप पे भी चल सकता है। 53 degree स्लोप। और ये देखिए यहाँ पे डोर है एंड बेसिकली जहाँ से भी आप देखें दिस इज अ ब्लडी ह्यूज, दिस इज अ ह्यूज ट्रक। सो ये आप देख सकते हैं पूरा ये मैकेनिज्म दिया गया है। अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। चढ़ने में थोड़ा सा फोन वो होगा, शेक करेगा। चलो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रक देख रही हूँ अंदर से। इसमें चढ़ गया हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं मैं सीट पे बैठा हूँ एंड दिस इज हाउ, ये बगल में मेरी एक बस है तो फॉर रेफरेंस दिस इज हाउ हाई यू सिट। ऑलमोस्ट आप बस की छत तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स रियली वाइड। ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं, एसी केबिन है, कई सारे यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। हैवी लोड पे अगर आपको चढ़ना है स्लोप पे, लाइट लोड पे चढ़ना है एंड मीडियम लोड पे है, सो कितना आपका लोड देना है आपको, ये ऑटोमेटिक है तो उसके हिसाब से। नहीं नहीं, ये फॉर एग्जांपल आपने सीधी रोड पे चलना है तो फिर अगर थोड़ी हाइट है, अगर ज्यादा हाइट है तो 4x4 है क्योंकि माइनिंग के लिए बनाया गया है, तो कौन से डिफरेंशियल को आपको लॉक करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सब आप यहाँ कर सकते हैं। ये आई बिलीव वुड बी द कंट्रोल रोलर गियर। और ये देखिए ये है 9-speed ट्रांसमिशन, ये लो गियर है
okay, maybe that is the crawler gear and this is no gear is brake. Sorry, ye hand brake hai aapka aur ye ab crawler gear hai, reverse gear hai, and then eight other gears it has. यहाँ पे फिर ये आपका टिपर को कंट्रोल करने के लिए सारे कंट्रोल्स हैं. काफी चीज होती है ना. ये देखिए, दिस इज ह्यूज स्टीयरिंग व्हील. ट्रक से पहले में ये सब नहीं दिखता था, लेकिन अब ये मॉडर्न ट्रक्स में है. यहाँ पे आपको कंट्रोल सिस्टम्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी दी गई है, तो आप अपना ये मोबाइल के साथ जो ड्राइव कर रहा है वो अपना पिक कर सकता है और उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. So, ये देखिए आप, ये में फीचर्स नहीं होते. ये देखिए, ये ऐसे ऐसे बाउंस होती है. अब होता क्या है, माइंस वगैरह में जब आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा रहता है, एंड ड्राइवर अगर ये फिक्स सीट रहेगी तो ड्राइवर के बैक में बहुत ज्यादा जोर आएगा, तो इसीलिए वो ये सीट से लिस्टिंग एक्शन लिया गया है ताकि वो कम्फर्टेबल रहे ड्राइवर. देखिए, हमने अभी दरवाजा बंद कर लिया है. ये ऊपर आपके पॉकेट्स दी गई हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए. कोई सनरूफ वगैरह नहीं है. ये पीछे आपको ये दिखाई देता है दो रट्टे पर. ये रहा आपका टैंक, बेसिकली कंप्रेसर टैंक. ये हाइड्रोलिक्स को ऑपरेट करने के लिए ये टैंक दिया गया है. फायर एक्सटिंग्विशर है. So this is inside the mining truck of TATA Prima mining truck. And hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. बिल्कुल. तो कृपया शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को. हम और से और इंटरेस्टिंग चीजें आपको लाके दिखाते रहेंगे. अगर मैं बात करूं वीडियो की, तो मैंने वीडियो जो है देखते हुए एक बात कही थी कि इतने ज्यादा फीचर्स हमारे यहाँ पे गाड़ियों में नहीं होते जितने ट्रक में है. सीरियसली, मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक ट्रक देखा और उस वो भी इतना, मैं ये बोलूंगी तो बहुत क्या बोलेंगे, लग्जूरियस है. हाँ, ना? अगर मैं ट्रक की बात करूँ ना, ट्रक जो है ना देखने में ऐसे लगे टॉय होता है. अच्छा, हाँ, बाकी में ऐसे लगता. मैंने भी ये बात करनी थी, इतने खूबसूरत ट्रक्स बनाए थे, जैसे लगता है जैसे मतलब टॉय ट्रक्स होते हैं. वो जो थोड़े एक्सपेंसिव वाले होते हैं ना, जिनकी फिनिशिंग बड़ी अच्छे तरीके से की होती है, वो लग रहा है. लेकिन वाकई ट्रक जो है खूबसूरत है, क्योंकि इस टाइम मेरी आंखों के सामने है ट्रक, और ये वाकई खूबसूरत तरीन ट्रक है. उसके ऊपर अगर हम देखें कि इसके अंदर कितने ज्यादा फीचर्स हम लोगों को देखने को मिले, मतलब मेरे लिए, मुझे तो वैसे यही नहीं पता था कि ट्रक में वैसे एसी भी होता है. तो मौसम ने भी बताया कि इसमें ये वाला भी है. वो तो मैंने देखा ना, उस पर लिखा हुआ था एसी. वही तो बोल रहा हूँ, पता ही नहीं है कि ट्रक में एसी होता है, क्योंकि मतलब यहाँ पर जो हमारे ट्रक होते हैं वो तो मेरे ख्याल में नहीं, पुराने वाले जो है उनमें नहीं होता. जो अब नए आगे से आए हैं ना, वो जो नए मॉडल्स हैं उनमें है. नहीं, मेरा मतलब है जो यहाँ पर वो वाले होते हैं जो ट्रक उनमें नहीं है, उनमें नहीं है. लेकिन जो दूसरे है ना इस तरह के, उनमें है. और अगर मैं बात करूँ ट्रक की, तो कल मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें भी टाटा के ऐसे ही ट्रक थे जिसमें, हाँ बिल्कुल, हम लोगों को अच्छा मुझे याद आ गया, मैं भी ये बात करने वाली थी. जिसमें विलन जो है सारे भर के अपने बदले लेके आ रहा. सुप्रीम खिलाड़ी साउथ इंडियन मूवी लगी थी, और उसमें क्या आता है कि जो विलन होता है वो चार नहीं छह 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 ट्रक्स लेकर आता है, और उसमें से ऐसे ट्रक्स होते हैं और सारे टाटा के थे. टाटा के ट्रक्स का, हाँ बाकी में हम लोग बताएंगे. तो अब हम जब देखते हैं ना कि वीडियो में छोटी छोटी चीजें जैसे नोट्स करते हैं, और अगर फंक्शंस के हिसाब से बात करें ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीच में ब्लूटूथ भी है, बीच में आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं. अगर आपका गाने सुनने का मन है और आप मोबाइल से चेंज नहीं करना चाहते, जैसे मोस्टली अब गाड़ियों में है, क्योंकि पहले जो है लोगों का ध्यान बट जाता था, तो रोड एक्सीडेंट की वो काफी जो है रीजन बनते थे. तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें फीचर्स है. फिर उसके अलावा जो है एसी है, एसी भी, फिर इसके अलावा मोहन, एसी के अलावा एक ही भी चीज ये है कि अगर आपका जो वेट है, जो मतलब रोड्स का वेट कह रही हूं, जो रोड्स की है चढ़ाई, हाँ ज्यादा है, कम है, या बिल्कुल भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं. फिर उसके बाद 4x4 है, फोर व्हील ड्राइव है. उसके अलावा जो है गियर्स की बात करने लगा था मैं, 8 मैनुअल गियर्स हैं, 9 तो नो रिवर्स का हुआ ना, तो टोटल 9 गियर हैं. वैसे मतलब ट्रक्स में इतने गियर्स होते हैं?
वैसे मैंने मैंने तो वैसे ट्रक कभी चलाया नहीं, लेकिन जो मैंने नॉर्मल ट्रक आर्ट देखे हैं ना, मैंने उसमें से चार ही सुने, चार होते हैं। तो बसेस जो यहाँ पे बसेस हैं, मैंने जो है वैसे चार गियर उसमें देखे हैं, लेकिन जो बाहर चलती हैं उनमें मैंने पांच तक देखे हुए तो हैं। फिर तो ये तो बहुत ही एक एडवांस एडवांस है है। फिर इसके बिल्कुल। अलावा अगर हम लोग टायर्स की बात करें, जो उन्होंने टायर का भी बताया कि वो इस तरीके से बना हुआ है क्योंकि जो बेसिकली वो माइनिंग वाली माइनिंग के लिए, हाँ कि मतलब पक्के रोड नहीं होते। हाँ डस्ट वगैरह में भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनसे वो डिजाइन किए गए हैं, तो काफी ज्यादा यू नो जितनी भी इसको डिजाइन किया गया है काफी ज्यादा सेफ्टी उन फीचर्स चीजों काफी को, ज्यादा हाँ देख के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मतलब बनाया गया, बिल्कुल। जो कि मेरे हाल में इसका सबसे बेस्ट पार्ट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। प्राइस इसकी क्या है वो इसमें मेंशन नहीं हुई और हम लोगों को भी नहीं पता, बट हम लोगों ने जितनी भी टाटा की वीडियोस देखी हैं और इससे पहले हम लोगों ने टाटा की अभी एक कैंपेन देखी थी, तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि वाकई में जितना काम टाटा कर रहा है लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम बिल्कुल करते हैं, और मतलब बहुत कम में आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिलना, ये सबसे ज्यादा मुझे मेरे जैसे बंदी को बहुत खुशी होती है कि अगर आपको कम पैसे में एक अच्छा प्रोडक्ट चले। मिले। यहाँ पे वैसे गेस करते हैं इसकी क्या प्राइस होगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया गेस करें। मे बी 8 लाख। मेरा ख्याल है कि 15 लाख के पास पास होगा। अब अच्छा जो है आप हमें बताइएगा कि इसकी प्राइस क्या है, जो एक्चुअल प्राइस है, तो पता चलेगा हम दोनों में से कौन ज्यादा करीब है। मुझे लगता है वैसे आप ज्यादा करीब होंगी नहीं, इसके मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वैसे मुझे भी कितनी ट्रक होते का हैं, आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 15 या 15 से ऊपर ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। हाँ मुझे 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 यही लगा कि 8 से 10 में भी मतलब चले। इतना, लेकिन आप हमें जरूर बताइएगा ये मौसम ने एक नाव डाल दिया है क्या क्या कौन ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स टिल देन।